अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे हैं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज ये ना ये रात को ये निकल आया क्योंकि उन्होंने पैंप निकाल दिया है ना, इसीलिए मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। अभी कपड़े शपड़े भी चेंज करते हैं और चाय शाय भी पी लेते हैं क्योंकि मैडम ने चाय बना ली है। ये क्या कहवा? क्यों दूध फिट गया है? दूध खराब हो गया? अच्छा, अम्मी भी पहुंच चुकी हैं। कैसी तबीयत है? तबीयत बहुत नज़ला, खांसी वगैरह बहुत के चल दिया। माँ के माँ के पतलाम खाने का दूध वाले चाय। फिर कावे में नींबू डाल दें। नींबू है? नींबू है, डाल दें अम्मी को। कहवा माँ के माँ पी। ये तो कुदरती खीर खराब हो गया है ना, फिर तो चाय बन जाती। ये पता है क्या, ये आपके ना इलाज के नसीब में था। मतलब आप कहवा आपके नसीब में था, नींबू आपके नसीब में था। हाँ जी, तो ऐसे इंशाल्लाह आप हो गया। हाँ जी था। हाँ जी, इसलिए आप जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। हैदर मिर्चें लग गई हैं। पीला ले आना था मोटा मोटा, उसमें रस बहुत होता है। वो ना सब लोग बोल रहे थे आप नींबू ले आओ, नींबू का पौधा गमले में भी मिलता है ना। हाँ। वो फिर नींबू भी उठाता है, तो वो ले आऊंगा। लेकिन वो रखेंगे कहाँ? छत पे? बच्चे सारे नींबू तोड़ जाएंगे। उधर रख देंगे, वो उधर सामने। हाँ, बहुत बड़ा नींबू ले आएंगे, बड़ी बाल्टी वाला। फिर उधर रखेंगे ना, वो खूबसूरत भी नजर आएगा जी। तो नींबू जब उठाएगा फिर है बहुत माशाल्लाह बेहतरीन लगेगा। हैदर हैदर हैदर, कहाँ जा रहे हो आज? आपका जो लिबास है मुझे कुछ बता रहा है इनका भी। आज जुम्मा है, ये स्कूल क्यों नहीं गए? मिलाद है ना, तो इधर जा रहे हैं। अच्छा, मिलाद है जी। किसका मिलाद है? वे किसका? फुफो वालों का। फुफो वालों का। क्या है फुफो वालों का? इधर मुझे बताना क्या है फुफो वालों का। मिलाद, इधर मुझे बताओ। हैदर मुझे बताओ, आपको भी नींबू डाल दूं? नहीं मुझे नहीं, मुझे ऐसे दे छोरो। आपने भी जाना है? हाँ जी, मैंने भी जाना है। तो आप रेडी शेडी तो नहीं हुई? मैंने कहा आपको चाय दे दूं फिर मैं रेडी होती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे ही कपड़े दो क्योंकि ये देखे ना गंदे हो गए हैं। तो फिर चले जानो जी, उधर रख दो उधर। हैदर नाखून वाली मुझे दो, नाखून वाली ये ना जी। मुझे देना, नाखून बड़े ठीक आए हैं ये देखें। चलो उधर रख के इधर शाखें बन गई हैं। ओए इधर 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 रखो चाहो ले ओले। बस 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 इधर रख दो। हाँ बस, वाह जी वाह। हैदर आ, हैदर पाफ बना ली। कैसी बना ली? तो प्यारे बहन भाइयों, आपने रहना हमारे साथ है, जाना कहीं नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मनी प्लांट है ये है इंडोर, इसको अंदर ही रखने से ये जिंदा रहेगा, नहीं तो ये मर भी सकता है। तो इसीलिए जहाँ से लेकर आए हैं ना, उस भाई ने कहा कि ये अगर आप समझें कि ये आउटडोर है, अगर धूप में ना रख देना नहीं तो ये मर जाएगा, आपको इसको अंदर ही रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल इधर रख दिया क्योंकि इसका गमला गंदा है, गमला साफ करेंगे। वो ऐसा होता है ना कि मैं खुद जो है ये चीज़ें करता हूँ, मतलब इसको साफ करना आहिस्ता आहिस्ता वॉश के साथ। और ये मैं बैठ नहीं सकता अभी, जब मैं बैठ जाऊँगा ना, बैठ सकूँगा आसानी से, फिर ये चीज़ें सारी
इनको कलर भी कर देंगे इनके गमलों को, और इनका गमले साफ कर देंगे तो ये बेहतरीन चमकदार हो जाएंगे। अगर पहले इनको धोएं के साफ सुथरा करके, उसके बाद हम इसको कलर करेंगे, और कलर इनका जो है वो मेरा इरादा है वाइट कर दें। इनको भी वाइट करना है, और क्या था, हाँ जो बाहर दानों वाली ड्रम्मी खड़ी है ना उसको फुल कलर करना है, उसको भी वाइट कर देना है, और जो हमारे वाईफाई का इधर से बांस जा रहा है ना ऊपर, इसको भी जहाँ तक हाथ पहुँचता है उसको भी वाइट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें वाइट कर देनी है, वाइट कलर करके। ये मुझे सही नहीं लगता है, इनका कलर कैसा है व्लॉग में अच्छा भी नहीं लगता। असल पता है क्या है, मुझे ना और कपड़े ला कर दें कोई अच्छे से, मतलब कोई 3-4 सूट ले आए हैं, जैसे ये है ना कॉटन का, ये कॉटन के सूट, वैसे जिसको दम्मा होता है ना उनको बोलते हैं कि और कपड़े ना पहने सिर्फ कॉटन के पहने, तो कॉटन के ना अच्छे अच्छे कलर के ना कोई 3-4 सूट ले आए हैं, इरफान भाई से सिलवा लेते हैं, फिर काफ़ी बेहतर थी जाएगा व्लॉग वाला, व्लॉग में भी चेंजमेंट नज़र आएगी और मेरी लुक भी बन जाएगी। वो दूसरा खड़ा है कॉटन वाला, वो दे दूं? हाँ नीले वाला, नीले वाला भी है, और जो इरफान ने लिया था वो भी है सावा। हाँ। वो सावा तोता बन जाता है। ओए हैदर, वो चाह भी कैसी मेरी चाह में ही ठंडी थी भी है। हैदर इधर आ ना, इधर इधर जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ ना, टाइम तो हो गया है ना। हैदर आप ना इधर आ जाओ। और ये देखें इनके गमले भी गंदे हैं, इनको भी साफ करने हैं। ये जो पौधा है ना ये वाला, इसकी खुशबू बहुत आती है, और ये देखें अब इनकी लुक कैसी नज़र आती है, लेकिन मुझे ये ना छोटे बहुत लगते हैं, मेरा इरादा था ये बड़े होते। और इधर भी हैं ये देखें, वैसे इनकी लुक जो है ना आपको मैं चेक करवाता हूँ, इधर से खड़े होके अब देखें अब कैसे नज़र आते हैं उधर वाले भी। मुखलिस भाई ये छोटे नहीं नज़र आते कि ठीक है, ये बड़े हो जाएंगे? नहीं वैसे भी अभी छोटे हैं, ये बड़े होंगे, इतने भी छोटे नहीं नज़र आ रहे, सही साफ रहते हैं नज़र आ रहे हैं। हाँ जी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ ये तो है। अभी इधर जो रखेंगे ना विंडो के सामने, इधर मेरा इरादा है बड़े बड़े रख दूं, ना इतना भी बड़े ना हो के विंडो की आधा तक आ जाएं, बिल्कुल सही है, खूबसूरती नजर आएगी, अंदर बैठे को भी खूबसूरती नजर आएगी। चलें जी ये जो है करते हैं, ये वाला ड्रम बोल रहा हूँ जिसको वाइट कर देना है, और ये आटे वाली डम्मी को भी वाइट कर देना है कलर। नहीं मेरा इरादा है इसको न्यू ले आते हैं, क्योंकि ये टूटी हुई है ऊपर से, इसका ढकना खराब है। चलें जो भी होता है इंशाल्लाह वो करते हैं। हाँ माशाल्लाह ये है डॉक्टर सुल्तान, लालू की जोड़ी दोनों, और साथ में मुंशी दोनों भाई। हाँ जी बड़े भाई छोटे भाई, आपसे कितना बड़ा है मुंशी? 1 साल। नहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, 2-3 साल बड़ा। नहीं नहीं 1 साल, 2-3 साल बड़े हैं। नहीं मुझे पता है, हमने आपको अपने हाथों से पाला है, अपने हाथों से 2 साल बड़ा है। तो मतलब ये है मैं आपको बताता हूँ, मुंशी को हमने हाथों से नहीं पाला, आपको हाथों से पाला है, तो इसीलिए मतलब 2 साल बड़ा हुआ। नहीं 2 साल में फिर हम इतने बड़े हो गए कि आपको भी पाला और आपकी सिस्टर ऐशा को भी पाला। नहीं आपसे काफ़ी साल बड़े हैं, 3 साल 4 साल हैं ये आपसे। ये मुंशी का, ये सुल्तान भी अहमद दीन से बड़ा है। अहमद दीन से मैं बड़ा हूँ 2-3 साल, 3 साल बड़ा। हाँ जी अहमद दीन से आप बड़े हैं ना। 3 साल। हाँ तो फिर आप शादी करो ना, अपने घर बसाओ, क्या यार चक्कर है ये।
हैं मुंशी तो बेचारे की वाइफ की डेथ हो गई ना। जब पाला है तो फिर शादी भी करवा छोड़ो। अच्छा नहीं है, अगर आप आज हाँ करें तो मैं अभी शादी करवा देता हूँ। हमारी तरफ से हाँ है। अच्छा इधर जो है, ओए हैदर ये सब के नाखून काट दो। हाँ जी। और जब ये वेली हो जाए ना कटर फिर मुझे दे देना, मैंने भी काटने हैं। अच्छा कहाँ जा रहे हो? मैं पूछने आया था आपसे कि शहर जाना है तो ठीक नहीं तो फिर मिलाद पे जाऊँ। नहीं शहर नहीं जाना, मैंने क्या करने जाना है? फिर मैं मिलाद पे जाऊँ। आप मिलाद पे जा सकते हैं जी। और मुंशी, मुंशी कहाँ जा रहे हैं? आप भी मिलाद पे? फिर घर भी सुना जा रहे हो? हाँ जी। घर क्या करने जा रहे हो? मिलाद से हो गए ना घर, कोई काम है। अच्छा तो सुनता के आ जाता हूँ। तो कल इन्होंने जाना है, इनके साथ चले जाते हैं? नहीं मैं आज जाऊँगा, मसला है ना कुछ थोड़ा। ये तो जा नहीं रहा, वापसी पे आएगा। वापसी पे इनके साथ आऊँगा। अच्छा चलो सही हो गया जी। ओ आ गई हो? हाँ जी। कहाँ बन ठंड के जा रही हो? कहीं तो जाओगे। नहीं वैसे बता छो रहो हम कहाँ जा रहे हो? माशाल्लाह। इधर इधर फिर क्या करने आई हो? इधर देखने आई हूँ कि साहबा जा रही है कि नहीं जा रही। जा रही है, बोलती तो है जा रही हूँ, पता नहीं अब कब जाती है। अभी तो ये रेडी भी नहीं हुई। बच्चों से फ्री हो जाओ। रखे हुए तो यही है, सारे चंगे भले हैं, कौन से हल्के हैं? जो पहन रखे हैं वो भी देखें कैसे माशाल्लाह बेहतरीन है। आ गई हो जैना? अच्छा आ गई हो बख्तावा। आपको आपकी फुप्पो ने क्या कहा था? ओवर में कब निकलना? फिर ओवर में कब कर लिया? नहीं ओवर नहीं है आज, ओवर ओवर नहीं है। मेकअप दुपट्टे भी पहन के जाना। चलें सही थी गया जी। हैदर साहब जो है फूलों के सेंटर में खड़ा हो गया है, अब हैदर साहब से हम सवाल करेंगे। हैदर साहब मुझे बताना चाहोगे? चलो मुझे बताओ आपको किसने बनाया? आप कौन हो? आप किसके उम्मती हो? हैं? नबी पाक के। अच्छा इधर देखो, इधर 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 खड़े होकर मुझे देख के बताया करो, ठीक है? आपका दीन क्या है? इस्लाम। उठी खड़े खड़े हो जाओ, उठी खड़ो। हाँ आप मुझे बताओ आपका नाम क्या है? हैदर अली। आपके बाबा का नाम क्या है? बाबा। उसका नाम क्या है? नूरुद्दीन को आता है? हाँ। चलो नूरुद्दीन उधर आ जाओ, आप ही खड़े रहो साथ। हाँ नूरुद्दीन बताओ आपके बाबा का नाम क्या है? सरफराज। क्या नाम है? अकरम खान। कौन? अकरम खान। असलम खान। जी वाह हैदर। बाकी सारे रेडी हो गए हैं। बख्तावर रेडी हो गई हो? कहाँ जा रही हो? माशाल्लाह। अच्छा हैं तू मिलाते? अभी अपनी हालत चेक किया? नंगा हुआ पड़ा है? पैंपर लगा रही हो? इसके रैशेस खत्म हो गए हैं? जी हाँ। हाँ दवाई वो काम की है? जी। ऊपर हूँ ना इसे। अच्छा आप इसको सेट करें जी। फिर बाद में जो है आप चले जाएं। चलो फ्रूट पड़े हैं फ्रिज में? सेब रखे हैं, अंगूर भी रखे हैं। चले सही है, वापसी पे आना फिर। चलो अच्छा आपने ना जल्दी आ जाना है जी। क्योंकि आपको पता है मैं कहीं पे सो जाता हूँ ना जी। तो फिर उठ नहीं पाता जी। कोई शिकाओ पड़ता है ना जी।
इसीलिए फिर ये ना हो कि मैं इधर फंस जाऊँ, क्योंकि भाभी वाले भी जा रहे हैं, हाँ सारे मतलब भाई और सारी फैमिली जा रही है, हाँ और आप भी जा रही हैं, तो मैं इधर अकेला, फिर सारे मसले मसाइल होते हैं जी, हाँ हो जाते हैं। हाँ जी, मैं जल्दी आ जाऊँ। फिर आपने जल्दी आ जाना है, और बच्चों की बच्चों को भी साथ ले आना है, हाँ। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे कर लेंगे, इनको कपड़े गंदे करने ही नहीं देने, सही है। उधर भी ओके, हैदर अब नीचे नहीं उतरना। ओके थे गया हैदर। अभी कितनी देर आया? बस थोड़ी सी बाजी के इंतजार है, वो बीबी को रेडी कर रहे थे। कहता है मेरी देर है। तेरी देर है, तेरी खैर होवे। ऐसे ना करो, नीचे ढह जाओगे, ऐसे ना करो। पता है क्या हरकतें नहीं करनी चाहिए। अच्छा बोल रहा है पक्की का, कहां पर है वो? है वो इधर, फूल इधर रखे हुए हैं वो। हाँ रेडी हो गए हो? हाँ जी जा रही हो? हाँ जी माशाल्लाह। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो जो सामने पड़े हैं, अभी मैं ये पहन लेता हूँ, अभी ये कपड़े पहन लेता हूँ। ये बैग भी लेके जा रही हो? हाँ, इसमें मोबाइल डाल दूंगी और हैदर के कुछ ये सूट डाल दूंगी। अब देखे मैंने कपड़े चेंज कर लिए बख्तावर। कपड़े चेंज करके कैसा नजर आ रहा हूँ? बहुत अच्छा। बीबी रेडी हो गई यो? नूरुद्दीन रेडी यो? जैनब रेडी यो? ये रेडी क्या होता है? प्यार हो। अच्छा केले खा लिए? केले खा रहे हो? मेहरान भी रेडी, मुखलिस भी रेडी, सारे रेडी, सब रेडी रेडी है। चले हम भी रेडी हैं। क्योंकि हमने इधर ही रहना है। ओ वो कौन नजर आ रही है? वो आ गई है। ये क्या पहन लिया है? ये कैसे कपड़े हैं, अजीब से नजर आते हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। नहीं जो जो बात करे ना, फिर लास्ट वाली बात यही करता है, उसको उसको कॉपी कर लेता है ना। अच्छा जी आप इधर हैं घर में अकेले? हाँ जी, इसलिए तो कहा है कि आप आपने जल्दी आ जाना है सब ने, ताकि ये ना हो फिर मैं कहीं सो जाता हूँ ना, ऐसे जैसे लम्मा पै जाता है बंदा, फिर उठिया नहीं जाता। ऐसे थोड़ी ना फिरता रहूंगा, बैठ जाऊंगा ना सोफे पे या लेट पड़ूंगा ऐसे। तो आप जल्दी आ जाना ना सब लोग। मैं कह रही हूँ ना हम जल्दी आएंगे। हाँ जी मैडम भी। हाँ जी अब ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हैदर अली को मेरे पास छोड़ जाओ। हाँ हैदर अली को आप इधर ही ठहरा लें तो अच्छा है। हाँ आ जा हैदर। चलो हैदर बाबा के साथ खेलो। इधर देख हैदर, हम इधर रहते हैं ना, वो फिर आ जाएंगे ठीक है। छोड़ जाऊँ? नहीं नहीं रोएगा, साथ ले जाओ। ये भी चावल खाएगा ना। शक्ल देखो कैसी बना ली। इधर देखा है हैदर। खेल तो रहा है नहीं, पहले ऐसे करके खड़ा हो गया।
चले अल्लाह हाफिज़। व्लॉग वालों को भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।